तो दोस्तों, जब पूरी दुनिया को लगने लगे कि ये कार्य असंभव है और आपके ऊपर भी सवाल खड़े होने लगे कि आप वो कार्य नहीं कर सकते हो, वही असली समय होता है अपने कर्तव्य दिखाने का। हेलो एवरीवन, स्टडी हाउस में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर अमन शर्मा, और वापस आ गया हूं द हिंदू की खबरों के साथ। आज डेट है December 8, 2018 और डे है सैटरडे। न्यूज़पेपर स्टार्ट करने से पहले आप सबके लिए आज का सवाल, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। सवाल रीसेंट रिपोर्ट से बनाया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियाज कार्बन एमिशन आर ट्रू? इनमें से कौन से स्टेटमेंट इंडिया के जो कार्बन एमिशन से रिलेट करते हुए सही है? पहली स्टेटमेंट आपसे पूछ रही है, जिस तरीके से इंडिया बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है विंड और सोलर पावर जनरेशन के अंदर, जो कोल यूजेज है, जो कोल का इस्तेमाल करने की जो मात्रा है इंडिया के अंदर, वो कम हो गई है, वो रिड्यूस हो गई है। दूसरी स्टेटमेंट ये है कि 2015 में जो पेरिस एग्रीमेंट हम लोगों ने साइन किया था, और हमारा गोल क्या है कि सेंचुरी के एंड में जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसको 2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ग्रो होने से हमें रोकना है, और पूरी ये कोशिश करनी है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ग्रो ना हो। उसके अचीव करने के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन है उसको 50% से डिक्लाइन करना पड़ेगा हम लोगों को बाय 2030। तीसरी स्टेटमेंट है कि इंडिया थर्ड लार्जेस्ट कार्बन एमिटर है पूरी दुनिया में, और इंडिया से पहले सिर्फ दो ही कंट्री आती हैं, चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स। आपके ऑप्शन है ए 1 और 2 ओनली, बी 2 और 3 ओनली, सी 1 और 3 ओनली, या डी ऑल ऑफ द अबव। जल्दी से अपने अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना है। स्टार्ट करते हैं आज के द हिंदू से। आज को आप कोई भी न्यूज़पेपर उठाओगे वहाँ पे आपको मिलेगा एग्जिट पोल। हम लोग पॉलिटी की न्यूज़ की तरफ नहीं जाएंगे कि क्या एग्जिट पोल बता रहा है, कौन सी पार्टी जीत रही है, कौन सी पार्टी हार रही है, पर हमारे लिए यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है कि एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल असलियत में ये होते क्या हैं। बेसिकली पोल क्या होते हैं, यहाँ पर जो कुछ एजेंसीज हैं, कुछ न्यूज़ चैनल्स हैं, वो डेटा आपके सामने रखते हैं कि कितने लोगों ने वोट एक्सपेक्टेडली कहाँ पर दिया है, कितने लोगों ने वोट किस पार्टी को दिया है, उसके बेसिस पे आप ये प्रिडिक्ट कर पाते हो कि कौन सी पार्टी जीतेगी, किसकी सरकार बनेगी। यहाँ पे दो तरीके के अलग पोल्स होते हैं, एक होता है ओपिनियन पोल, एक होता है एग्जिट पोल। पहले आपके साथ बात करते हैं ओपिनियन पोल के बारे में। जैसे कि यहाँ पे वर्ड में ही नाम आ रहा है ओपिनियन, यहाँ पे आप लोगों की ओपिनियन ली जाती है कि आप किसको वोट देने जाओगे या आपके हिसाब से कौन सी पार्टी जीतेगी। ये इलेक्शन से पहले कंडक्ट किया जाता है। ओके, तो इलेक्शन से पहले क्या कंडक्ट हो रहा है, ओपिनियन पोल। अब यहाँ पे बात हो रही है दूसरे पोल की, जिसका नाम है एग्जिट पोल, जो कि आज न्यूज़पेपर में आया है। एग्जिट का मतलब होता है बाहर निकलना। तो जैसे ही कोई भी वोटर वोट डाल के बाहर निकलता है, तो जो पोलिंग स्टेशन के बाहर थोड़ी सी दूर पर ये लोग खड़े रहते हैं सर्वे करने के लिए, और फिर आपका सर्वे करते हैं, आपसे पूछते हैं कि आपने किसको वोट दिया, आपके हिसाब से किसकी सरकार बनेगी, और उसके बेसिस पे यहाँ पर पोल ओपिनियंस आप लोगों के सामने रखी जाती हैं। तो यहाँ पर एग्जिट पोल क्या किया जाता है, जब हम लोग वोट देकर आते हैं उसके बाद जो सर्वे कंडक्ट होता है उसको यहाँ पर बोलते हैं एग्जिट पोल। और इलेक्शन से पहले, मतलब वोट देने जाने से पहले यहाँ पर जो पोल कंडक्ट किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं ओपिनियन पोल। तो ये दो अलग अलग टाइप ऑफ पोल्स होते हैं, इनके ऊपर कुछ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लगता है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लगाता है। यहाँ पे आज की एक और न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे बात हो रही है कि हमारे नए चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर चुन लिए गए हैं। तो राजन स्टूडेंट इज न्यू CEO, तो अपने हमारी अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट है उसने क्लियर कर दिया है कि कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम होंगे हमारे नए चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, और 3 साल तक का इनका टेन्योर रहने वाला है। इन्होंने अपनी PhD करी है यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से, और इस समय एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं एट द इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस। इंपॉर्टेंट बात यह है, ये बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं हमारे पूर्व RBI गवर्नर रघुराम राजन जी को, और उनके स्टूडेंट भी रह चुके हैं। अब यहाँ पे हमारे लिए जानना जरूरी हो जाता है कुछ चीज़ें चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र के बारे में। देखो, भारत सरकार को जब भी कोई इकोनॉमिक से रिलेटेड एडवाइस चाहिए होती है तो वो इस पर्सनालिटी के पास जाती है जिनको हम लोग चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र के नाम से जानते हैं। साथ ही जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र होते हैं वो एक्स ऑफिशियो कैडर कंट्रोल करते हैं इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज को। तो जो इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज होती है उसको भी हेड करते हैं हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। इसके साथ साथ जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र होते हैं वो डायरेक्टली आते हैं अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर है। यहाँ पे बोला जा रहा है हाइप अराउंड सर्जिकल स्ट्राइक अनवॉरेंटेड। तो बड़ा सवाल यह है कि सर्जिकल स्ट्राइक इंडियन आर्मी ने कंडक्ट की थी, बहुत अच्छी बात है, हम लोगों ने दूसरे के देश के अंदर घुस के वहाँ पे जो टेरर कैंप्स थे उन लोगों को डिस्ट्रॉय किया,
पर यहाँ पे बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं फॉर्मर आर्मी कमांडर ने। उन्होंने बोला है कि आपने एक बार सर्जिकल स्ट्राइक करी, पर हम लोग उसको धीरे धीरे एक पॉलिटिकल मैटर बनाए जा रहे हैं क्योंकि उसको हाइप मिलता जा रहा है। बार बार उसी चीज़ के बारे में बात हो रही है, उसी चीज़ के ऊपर यहाँ पे पार्टीज इलेक्शन भी लड़ रही हैं। तो इन पर्टिकुलर चीज़ों के ऊपर सवाल खड़े करे हैं हमारे फॉर्मर नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल DS हुडा जी ने, और उनकी बातें हम लोग अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे देख लेते हैं। तो उन्होंने बोला है कि जो हम लोगों ने 2016 के अंदर जो सर्जिकल स्ट्राइक्स करी थी उसके ऊपर जो इनिशियल यूफोरिया हुआ, इनिशियली उसके ऊपर जो हाइप बना वो ठीक था, वो नेचुरल था कि हम लोगों ने इतना ज़्यादा सक्सेसफुल ऑपरेशन यहाँ पे कंडक्ट किया था, पर वो जो हाइप है वो कॉन्स्टेंट होता रहे। अब तो 2-2.5 साल हो गए फिर भी वो हाइप बना रहे, वो अनवारंटेड है, उसकी जरूरत नहीं है, ऐसा कहना है फॉर्मर नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल DS हुडा जी का। उन्होंने बोला है कि यहां पर इंडिया ने जिस तरीके से सीक्रेटली स्ट्राइक करी वो बहुत ही काबिले तारीफ थी। यहां पे हम लोगों ने हमारी टैक्टिक्स दिखाई, हमारी स्ट्रेटेजी दिखाई, दिखाया दूसरे देश को कि हम क्या क्या काम कर सकते हैं, पर कहीं ना कहीं इन पर्टिकुलर चीजों से जो आफ्टर इफेक्ट जो देखने को मिला है वो सही नहीं है। अब हम लोगों ने जब सर्जिकल स्ट्राइक करी उससे क्या हुआ, जो हमारा एनिमी है उसका मोराल डाउन हो गया, पर जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर जिस तरीके से हाइप मिल रही है सर्जिकल स्ट्राइक को, बार बार उसी चीज़ के बारे में बात हो रही है, तो क्या होता है कि जो हमारी आर्मी है वो जब फिर से सर्जिकल स्ट्राइक करेगी उसको फिर से बहुत ज़्यादा हाइप मिलेगी, और इन पर्टिकुलर चीज़ों का एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है इंडियन आर्मी के ऊपर भी। ये यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे ऑन रोल ऑफ क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशंस एंड सर्जिकल स्ट्राइक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मिलिट्री अचीवमेंट्स हैं उनको पॉलिटिकल मोटिव से कलर किया जा रहा है, उनको रंग दिया जा रहा है यहाँ पे पॉलिटिकल मोटिव्स द्वारा, और यहाँ पे वोटर्स को लुभाने की भी कोशिश की जा रही है। साथ ही यहाँ पे बोला गया है कि इंडिया ने जितना बड़ा ये बोल्ड मूव उठाया वो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इंडिया पहले भी ये सब चीज़ें कर चुका है, बट इतनी ज़्यादा हाई लेवल पे इंडिया ने नहीं किया था, क्योंकि जब देखो पानी सर से ऊपर चला जाता है तब तो हम लोगों को कुछ ना कुछ काम करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं ऑपरेशन को इम्पैक्ट करते हैं, ये बोल दिया है, और इस चीज़ के ऊपर सरकार को भी सोचना चाहिए। तो बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। सबसे पहले आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए न्यूज़ समझने से पहले। पहली है GM क्रॉप्स। असलियत में GM क्रॉप्स होती क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होती क्या है, इनको हम लोग बायोटेक क्रॉप के नाम से भी जानते हैं। नेम देखो, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, क्रॉप्स को मॉडिफाई किया जा रहा है, कैसे जेनेटिकली, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से जो क्रॉप्स होती हैं उनके DNA में कुछ मॉडिफिकेशन की जाती है जिससे उन क्रॉप्स के अंदर कुछ नए ट्रेट्स आ जाएं, कुछ नई चीज़ें आ जाएं। जैसे हम लोग चाहते हैं कि कोई क्रॉप ड्रॉट रेजिलिएंट हो, जो सूखे में भी अच्छी तरीके से उग जाए, तो यहाँ पे हम लोग उसके जीन्स को मॉडिफाई कर लेंगे। हम लोग चाहते हैं कि किसी क्रॉप की यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ जाए तो उसमें हम लोग उसमें जेनेटिकली मॉडिफाई कर लेंगे। तो इस तरीके की जो क्रॉप्स बनती हैं उनको हम लोग बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। यहाँ पे एक और पर्सनैलिटी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, जो है MS स्वामीनाथन, मोनकोम्बू सोम्बासिवन स्वामीनाथन, जिनका बहुत बड़ा रोल रहा हमारे देश की हरित क्रांति के अंदर, ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर। इस वजह से उनको फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। ग्रीन रिवॉल्यूशन जो कि एक बहुत ही सक्सेसफुल रिवॉल्यूशन थी, इंडिया में कंडक्ट की गई, और यहाँ पे हम लोगों ने दुनिया को दिखा दिया कि हम भी हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ क्रॉप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, और वीट और राइस की फील्ड में हम लोग पूरी दुनिया से आगे निकल सकते हैं। अब यहाँ पे बात क्या हुई है, MS स्वामीनाथन जी ने और यहाँ पे PC केशवन जी ने को ऑथर किया एक रिसर्च पेपर जिसका नाम है यहाँ पे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज फॉर सस्टेनेबल फूड एंड न्यूट्रिशनल स्ट्रेटजीज। इस रिसर्च पेपर के अंदर उन लोगों ने बोला है कि जो GM क्रॉप्स है इंडिया में वो फेल हो गई हैं। इंडिया के अंदर GM क्रॉप्स हम लोग आज की डेट में सिर्फ कॉटन इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ GM कॉटन इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा जैसे आप सुनते होंगे GM मस्टर्ड या GM ब्रिंजल, उनको यहाँ पे जो हमारा जो साइंटिफिक रेगुलेटर्स हैं उन्होंने पास कर दिया है, पर सरकार ने अभी तक उसको अप्रूवल नहीं दिया है। तो यहाँ पे इन दोनों ने बोला है कि जो GM क्रॉप्स हैं वो हमारे देश में फेल हो गई हैं, और इसी के ही रिटेलिएशन में जो हमारे देश के जो इंडिया के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र हैं PSA हैं के विजय राघवन, उन्होंने बोला है कि जो रिपोर्ट है उसमें कुछ फ्लॉज हैं, उसमें कुछ कमियां हैं। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ पे बात हो रही है उस रिसर्च पेपर के बारे में जिसको को ऑथर किया है हमारे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट MS स्वामीनाथन ने, और उन्होंने बोला है कि जो BT कॉटन है वो फेल हो गया है, और इसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया है यहाँ पे इंडिया के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र के विजय राघवन ने। सेट पेपर के नाम लिख लेना, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज फॉर सस्टेनेबल फूड एंड न्यूट्रिशनल स्ट्रेटजीज।
तो यहाँ पे जो आर्टिकल है बेसिकली वो बात कर रहा है क्रॉप डेवलपमेंट इन इंडिया एंड ट्रांसजेनिक क्रॉप्स के बारे में। पर्टिकुलरली यहाँ पे बीटी कॉटन के बारे में बात इसलिए हो रही है क्योंकि बीटी ब्रिंजल और डीएमएच 11 जो कि ट्रांसजेनिक मस्टर्ड हाइब्रिड है, उन दोनों को अभी स्टॉप किया गया है सरकार द्वारा। तो सेंटर अभी जब उसे अप्रूवल दे देगा तो वो भी हम लोग कमर्शियली मार्केट में इस्तेमाल कर सकेंगे। यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या बोली हैं, अंडर कोट में लिखा हुआ है, फोर्थ पॉइंट है। यहाँ पे बोला है कि जो जेनेटिकली इंजीनियर जो हमारी बीटी कॉटन है वो इंडिया में फेल हो गई है, ऐसा कहना है इस रिसर्च पेपर का, और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी बनाने में भी वो फेल हो गई है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी का मतलब ये होता है हम लोग वो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी बनाए जो कि हमारी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी बहुत ज़्यादा लाभदायक हो। और यहाँ पे जो बीटी कॉटन हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे उससे जो कॉटन फार्मर्स हैं उनकी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, उन्हें लाइवलीहुड सिक्योरिटी मिलेगी, वो सब चीज़ें भी नहीं मिल पाई। और उसका बड़ा एग्जांपल आप लोग देख सकते हो कितने ज़्यादा जो सुसाइडल केसेस हैं हमारे देश में वो बढ़ रहे हैं। साथ ही जो आप देखोगे जो पुअर स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया था ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद भी, क्योंकि ग्रीन रिवोल्यूशन का ज़्यादातर जो फ़ायदा है वो हरियाणा और आप देखोगे वेस्ट उत्तर प्रदेश के उन फार्मर्स को हुआ था जो कि एक बहुत अच्छे लेवल के फार्मर्स थे, मतलब बहुत ज़्यादा उन पर पैसा था, क्योंकि तभी वो हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ क्रॉप्स इस्तेमाल कर सकते थे, तभी वो यहाँ पर बड़ी बड़ी मशीन्स का इस्तेमाल कर सकते थे। उसी तरीके से यहाँ पर जो बीटी कॉटन है वो भी वही फार्मर्स ज़्यादातर ले रहे हैं जो पहले से ही समर्थ हैं। यहाँ पे बोला गया है कि जो प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल्स होते हैं उनको भी छोड़ा गया, और यहाँ पे कोई भी साइंस बेस्ड या रिग्रेस बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल नहीं किया गया जीएम क्रॉप्स का इस्तेमाल होने से पहले। तो यहाँ पे सवाल जो खड़े हो गए हैं वो यही है कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है वो ग्राउंड लेवल पे हम लोगों को फेल होती हुई नज़र आई है, क्योंकि उसकी वजह से जो कॉस्ट ऑफ सोइंग है वो बढ़ गई है। क्योंकि देखो नॉर्मल सीड्स से तो महंगी मिलती हैं ये वाली सीड्स, तो जो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सोइंग है वो बढ़ गई है और उतना ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पे फार्मर्स को कन्वर्ट नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही जिस तरीके से हम लोग फॉरेन जीन्स को इंसर्ट कर देते हैं उसकी वजह से जो इवेंट्स क्रिएट होते हैं मॉलिक्यूलर और सेलुलर, उसका भी कोई भी अंडरस्टैंडिंग अभी हमारे सामने नहीं आया कि वो सही है या गलत है। इसके साथ साथ ये रिपोर्ट आपके सामने और भी बातें रख रही है, ये कह रही है कि यहाँ पे जो म्यूटेशन और जो नेचुरल सेलेक्शन होता है वो बेसिकली इवोल्यूशनरी मैकेनिज्म से होता है जिसको फ्लावरिंग प्लांट से वेरिएट करके यहाँ पे इंड्यूस किया जाता है। यहाँ पे आरडीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में जिक्र हो रहा है जिसके अंदर जो मॉलिक्यूलर जो सेलुलर इवेंट्स होते हैं जो कि ट्रिगर करते हैं हमारे एक्सोजेनस डीएनए को, उसको भी अभी तक प्रिसाइजली अंडरस्टूड नहीं किया गया है। मतलब आप लोग डीएनए को चेंज तो कर रहे हो बट उसके ऊपर अभी तक अच्छी तरीके से स्टडी नहीं की गई है कि असलियत में हो क्या रहा है। देखो कॉस्ट जो है जी सीड्स की वो ज़्यादा है, मैंने आपको बता दिया, इस वजह से जो कॉस्ट ऑफ स्विंग है वो बढ़ रही है। साथ ही अगर हम लोग बात करते हैं जीन के इंसर्शन की, वो भी कंट्रोलेबल नहीं है, और उसका हेल्थ इफेक्ट क्या होगा या एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होगा वो भी अभी तक अच्छी तरीके से स्टडी नहीं किया गया है। इसी वजह से तो यहाँ पर जो सेंटर है वो नहीं क्लियर कर रहा है बीटी ब्रिंजल या फिर डीएमएच 11 को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो अपोजिशन है वो यही सवाल खड़ी करती है कि क्या हम लोग ये जब चीज़ें जब इंट्रोड्यूस करेंगे तो फार्मर्स का फ़ायदा होगा, सही बात है, पर यहाँ पर क्या एनवायरनमेंट का नुकसान होगा या हेल्थ का नुकसान होगा उसके ऊपर किसी के पास कोई भी जवाब नहीं है। और यहाँ पे कोई भी बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल नहीं होता, ये चीज़ मैंने आपके साथ डिस्कशन में मिली। साथ ही जो बीटी कॉटन की अगर हम लोग बात करते हैं 10 साल हो गए हैं बट अभी तक उसका जो ग्राउंड लेवल पे आप देखोगे वो फेल होता हुआ नज़र आया है। साथ ही जिस तरीके से पेस्ट रेजिस्टेंस हो जाते हैं, यहाँ पे इंसेक्टिसाइड्स जो होते हैं उसका भी इस्तेमाल कम नहीं हो पाया है, यहाँ पे कुछ जो हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं जो अटैक करते हैं वो भी रेजिस्टेंट हो जाते हैं इन सब चीज़ों से, तो इन सब चीज़ों को भी हम लोगों को देखना पड़ेगा। जो सोशियो इकोनॉमिक कॉस्ट है वो फार्मर्स बियर कर रहे हैं इन हाइब्रिड बीटी कॉटन से, तो ये सब चीज़ें हैं जो कि हम लोगों को बताती हैं कि किस तरीके से जो जीएम क्रॉप्स हैं इंडिया में वो अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो पाई हैं। साथ ही नेक्स्ट वाले सेक्शन में आप देखोगे लिखा हुआ है कि जो बीटी कॉटन है वो ऑक्यूपाई करती है 95% ऑफ इंडियाज कॉटन एक्रीज, और जो ईल्ड है आप देखोगे वो स्टेगनेंट हो चुकी है, वो रुक चुकी है 500 kg पर हेक्टेयर पर, और ये पर्टिकुलर जो हमारी ईल्ड है वो चाइना और इजिप्ट से भी कम है। साथ ही बीटी ब्रिंजल वॉज क्लियर्ड बाई द जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी, पर उसको क्या हुआ था फिर यूपीए गवर्नमेंट के बाद उसको पुट अप कर दिया गया था। ओके, तो यहाँ पे यूपीए गवर्नमेंट ने भी उसको क्लोज कर दिया था, फिर यहाँ पे एनडीए गवर्नमेंट ने भी उसको क्लोज कर दिया। सर डीएमएच 11 की अगर हम लोग बात करते हैं उसको भी क्लियर कर दिया था पर उसको बाद में विदड्रॉ कर दिया। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एमएस स्वामीनाथन जी ने बोला है कि जो जीएम क्रॉप्स हैं उनका जो इस्तेमाल है वो बहुत रेयर कंडीशन में होना चाहिए।
तभी होना चाहिए जब आपको जरूरत है, ऐसा नहीं है कि आप हर समय जीएम क्रॉप्स ही इस्तेमाल करने लगो। तो ये बड़े बड़े सवाल हैं जो खड़े कर दिए थे जीएम क्रॉप्स के ऊपर। अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं, न्यूज लिंक कर रही है एरो इंडिया से। एरो इंडिया से न्यूज आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पे बात हो रही है कि पहली बार हमारे देश में जो सिविल एविएशन एग्जीबिशन होता है उसको एरो इंडिया के साथ मिला दिया जाएगा। जो एरो इंडिया का अगला वाला जो सेशन है वो February 20 से February 24, 2019 तक होने वाला है। जो सिविल एविएशन एग्जीबिशन होता था वो हर साल हैदराबाद के अंदर होता था और बहुत अलग से उसे सेपरेटली कंडक्ट किया जाता था, पर यहाँ पर अगले साल से उन दोनों को एक साथ ही कंडक्ट किया जाएगा। यहाँ पे एरो इंडिया 2019 का लोगो और टैगलाइन आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है एरो इंडिया द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। यही तो यहाँ पे लोग यहाँ पे टैगलाइन है, रनवे फॉर अ बिलियन अपॉर्चुनिटी। देखो आप लोगो देखो, लोगो में आपको देखेगा बिल्कुल जैसा हमारा तेजस एयरक्राफ्ट है उसके जैसा यहाँ पे बनाया हुआ है, और बीच में है हमारा अशोक चक्र। तो लोगो इंस्पायर्ड है हमारे इंडिजीनियस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस से। और ये जो सेशन होने वाला है 2019 के अंदर, ये 12th एडिशन होगा एरो इंडिया का, और यहां पर इसको कंडक्ट किया जाएगा बेंगलुरु के अंदर। अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं, पेज नंबर है 8। यहां पे विजय माल्या जी से रिलेटेड बात हो रही है। सबसे पहले आप न्यूज देख लो अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। ईडी रिप्लाई सॉट ऑन माल्या प्ली अगेंस्ट फ्यूजिटिव टैग। तो हुआ क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से जवाब मांगा है। देखो एक पिटीशन फाइल हुई थी जो कि विजय माल्या जी ने फाउंड आउट की थी। यहाँ पे एक पिटीशन, उन्होंने बोला था कि मुझे डिक्लेयर किया गया है फ्यूजिटिव ऑफेंडर अंडर द फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट ऑफ 2018, और यहाँ पे उसके ही अंदर मेरे जो एसेट्स हैं और करोड़ ऑफ रुपीज़ हैं उनको कन्फिस्केट किया गया है, उसको यहाँ पे धर लिया गया है, उसको यहाँ पे क्लोज आउट कर लिया गया है। उसको यहाँ पे एक पिटीशन लगाई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने उसी का रिप्लाई मांगा है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से कि आपने क्यों फ्यूजिटिव वाला टैग दिया है यहाँ पर विजय माल्या जी को। यहाँ पे एग्जाम रेलिवेंट चीज़ है, हम लोगों को पता होना चाहिए कि फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स होते क्या हैं, क्योंकि एग्जाम में आपसे डायरेक्टली सवाल आएगा इसका कि फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स असलियत में होते क्या हैं। देखो वो लोग जिन लोगों ने कोई इकोनॉमी से रिलेटेड हमारे देश में कोई यहाँ पे ऑफेंड किया है, हमारे देश के कुछ पैसों की घपलाबाजी करी है, बैंक्स के साथ फ्रॉड किया है, और उनके खिलाफ सरकार वारंट इशू कर देती है, और उस वारंट इशू करने के बाद वो पर्सन हमारे देश से दूर भाग जाता है, देश छोड़ के भाग जाता है, तो उन पर्सन को यहाँ पे बोलते हैं फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल है विजय माल्या और नीरव मोदी। अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पे बात हो रही है सोशल मीडिया साइट्स टोल्ड टू फिल्टर कंटेंट यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो हमारे देश में आप देखोगे जिस तरीके से आप देखोगे बहुत सारी जगहों पे वायलेंस बढ़ रहा है, बहुत सारी जगहों पे यहाँ पे हिंसा हो रही है, रायट्स हो रहे हैं, और यहाँ पे इलेक्शन के अंदर भी जिस तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है फेक न्यूज़ फैलाने के लिए, उन सब चीज़ों को ध्यान में रख के सरकार और यहाँ पे इलेक्शन कमीशन भी बहुत सारी बातचीत कर रही है सोशल मीडिया साइट्स के साथ, चाहे वो गूगल हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, व्हाट्सएप हो, सबके साथ यहाँ पे बातचीत की जा रही है। उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है, आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हो, आर्टिकल मिलेगा आपको पेज नंबर 9 पे। तो यहाँ पे जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है उसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बोला है कि आप लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स का इस्तेमाल करो और उसके बेसिस पे आइडेंटिफाई करो, और जो भी वायलेंस से रिलेटेड या हिंसा से रिलेटेड जो रिलेटेड वीडियोस हैं उनको आप टेक डाउन करो, उनको बिल्कुल अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से गायब कर दो। देखो यहाँ पे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के रिक्वेस्ट पर मिनिस्ट्री ने एक और चीज़ करी है कि देखो जो टाइम लिमिट होता है कितने समय के अंदर जो वीडियो है वो उस प्लेटफॉर्म से गायब हो जानी चाहिए वो था 36 आवर्स, उसको भी घटाकर अब सिर्फ 4 घंटे कर दिया गया है। तो जो भी प्लेटफॉर्म है, चाहे वो गूगल हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो, या जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर अगर कोई वायलेंस से रिलेटेड वीडियो होती है, हिंसा से रिलेटेड वीडियो होती है, तो उसकी कंप्लेंट के बाद 4 घंटे के अंदर अंदर वो उस पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म से गायब हो जानी चाहिए। सत्य मिनिस्ट्री ने यहाँ पे ट्विटर से बोला है कि आप लोग फ्लैगर्स को एंगेज करो, जो वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनको एंगेज करो, जिससे उनका एक ही मकसद होगा आइडेंटिफाई करना, डिटेक्ट करना, और जो भी ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट होता है उसको ख़त्म कर देना उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से रियल टाइम बेसिस पे। साथ ही सरकार यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गूगल, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक और बाकी सारे प्लेटफॉर्म से भी मिली और उनको बोला कि जो कंप्लायंस रेट है आपने अच्छे तरीके से काम किया जब सरकार ने आपके खिलाफ यहाँ पे नोटिफिकेशन इशू किया था, और जो कंप्लायंस रेट है वो पहले 60% था, उस वो भी बढ़ के अब 80% हो गया है, तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ एनजीओ के भी वर्क को एंगेज करने की बात हो रही है, यहाँ पे जो ग्रेवियस एड्रेसल सेल है उनको एंगेज करने की बात हो रही है। साथ ही यहाँ पे मिनिस्ट्री ने ट्विटर को बोला है कि आप लोग टेलीफोन नंबर्स भी प्रोड्यूस
रिड्यूस करो उन लोगों के जो कि सस्पिशियस अकाउंट वाले हैं या उनको आइडेंटिफाई किया जाता है या जो इस तरीके की वीडियोज डाल रहे हैं उनके अगर नंबर मिल जाएंगे तो जो साइबर क्राइम से रिलेटेड चीज़ें होंगी उनको हमारी पुलिस भी कम करने में मदद कर पाएगी। साथ ही व्हाट्सएप को ये बोला गया है कि आप भी जिस तरीके से काम कर रहे हो वो काबिले तारीफ है और भी अच्छी तरीके से आप काम करो। और जिस तरीके से आपने देखा होगा फॉरवर्डिंग के ऊपर भी यहाँ पे व्हाट्सएप कुछ चीज़ें लेकर आई थी कि ट्रिपल टिक आएगा, लिखा हुआ आएगा कि आपने मैसेज फॉरवर्ड किया है या किसी और का जो मैसेज आपके पास आया वो फॉरवर्डेड मैसेज है, तो यहाँ पर जो को ऑथर है उसको भी आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो बढ़ते अगली न्यूज़ की तरफ, यहाँ पर बात हो रही है हाई कोर्ट स्टेज आर्ट ऑफ लिविंग इवेंट एट बिग टेम्पल। तो आर्ट ऑफ लिविंग का पहले भी एक इवेंट था जो कि दिल्ली के फ्लड प्लेन्स के ऊपर था, यमुना के फ्लड प्लेन्स के ऊपर था, उसके ऊपर भी एनजीटी ने सवाल खड़े कर दिए थे। और उसके बाद यहाँ पर जो न्यूज़ आई है वो ये है कि जो आर्ट ऑफ लिविंग का एक यहाँ पे मेडिएशन प्रोग्राम होने वाला था बृहदेश्वर टेम्पल के अंदर, उसके ऊपर रोक लगा दिया यहाँ पर हाईकोर्ट ऑफ मद्रास ने। तो मद्रास हाईकोर्ट की जो मदुरई बेंच है उसने यहाँ पर रोक लगा दी है। यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर के लिए हमारे समझना जरूरी हो जाता है बृहदेश्वर टेम्पल के बारे में। तो कुछ चीज़ें सबसे पहले बृहदेश्वर टेम्पल के बारे में, बृहदेश्वर टेम्पल जो कि थंजावुर तमिलनाडु के अंदर लोकेटेड है, इसको बनवाया था राजा राजा चोला फर्स्ट ने जो कि बिलोंग करते हैं चोला डायनेस्टी से। ये जो टेम्पल है वन ऑफ द लार्जेस्ट साउथ इंडियन टेम्पल भी है और इसको दक्षिण मेरू के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही जिस स्टाइल में टेम्पल बना हुआ है वो है द्रविड़ा स्टाइल। अब न्यूज़ देख लेते हैं, न्यूज़ आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पे बात हो रही है कि जो मदुरई बेंच है मद्रास हाई कोर्ट की, उसने एक इंटरिम इंजक्शन दे दिया है अगेंस्ट द मीडिएशन इवेंट जो कि यहाँ पे होने वाला था आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा। तो आर्ट ऑफ लिविंग इज ऑर्गेनाइजेशन बाय श्री श्री रविशंकर जी, तो यहाँ पे वो बृहदेश्वर टेम्पल के अंदर कंडक्ट करने वाले थे ये इवेंट। आप देख सकते हो राइट हैंड साइड में पंडाल भी लगा हुआ है, तो टेम्पल है उसके आसपास। जो बृहदेश्वर टेम्पल है वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर है, तो उसका जो कंट्रोल है वो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास है। तो यहाँ पे जो पुलिस है और उन सबको बोला गया है कि जो टेम्पररी स्ट्रक्चर है उसको सही सलामत हटा दिया जाए और यहाँ पे कोई भी ऐसा इवेंट नहीं होगा। जो बृहदेश्वर टेम्पल है वो एक आइकॉनिक टेम्पल है, 1000 साल पुराना ये टेम्पल है और इस टेम्पल के आसपास प्राइवेट पार्टी होना अलाउ नहीं होगा, ऐसा कहना है यहाँ पे एन वेंकट टेश का, जिन्होंने ये PIL पिटीशन फाइल करी थी मदुरई बेंच के अंदर हाई कोर्ट के। ठीक है, यहाँ पे अब जो इवेंट होगा वो कावेरी मंडपम जो कि थंजावुर के अंदर लोकेटेड है वहाँ पे होने वाला है। तो बढ़ते हैं आगे, हम लोग आ गए हैं इकोनॉमी सेक्शन की तरफ। आज पेज नंबर 11 पे आया इकोनॉमी वाला सेक्शन। सबसे पहले आपके साथ बात करूंगा करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में। करंट अकाउंट असलियत में होता क्या है, तो यहाँ पे बात हो रही है बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में। जिस तरीके से हम लोग देखते हैं कि अपना हिसाब किताब कैसे हुआ है, वैसे किसी देश का दूसरे देश के साथ हिसाब किताब कैसा हुआ है उन चीज़ों को मेज़र करने के लिए हम लोग लाते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। एक देश ने किसने देश के दूसरे देश को कितनी चीज़ें दी हैं, दूसरे देश से हमारे देश में कितनी चीज़ें आई हैं, पैसा कितना गया है, पैसा कितना है, उसका जो खाता होता है उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर हम लोग दो खाते लेते हैं, दो अकाउंट्स लेते हैं, एक होता है करंट अकाउंट और एक होता है यहाँ पे कैपिटल अकाउंट। जो करंट अकाउंट होता है उसके अंदर भी दो पार्ट होते हैं, एक विजिबल होता है, एक इनविजिबल होता है। विजिबल वाले पार्ट के अंदर आते हैं हमारे गुड्स, ओके। और जब हम लोग यहाँ पे देखते हैं गुड्स वाले सेक्शन के अंदर देखते हैं सिर्फ, तो उसे हम लोग बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। और जो यहाँ पे दूसरा होता है इनविजिबल वाला, उसके अंदर आती है हमारे सर्विसेज, उसके अंदर आती है हमारे इनकम, उसके अंदर हमारे आते हैं ट्रांसफर्स। तो यहाँ पर जो हमारी जो चीज़ें हैं उनका आदान प्रदान, मतलब गुड्स सर्विसेज और जो इनकम्स और ट्रांसफर्स होते हैं, इनकम ट्रांसफर मतलब जैसे प्रॉफिट हुआ, डिविडेंड हुआ, यहाँ पे इंटरेस्ट हुआ, रेमिटेंस हुए, डोनेशंस हुए या कोई गिफ्ट्स होते हैं, उनका जब आदान प्रदान होता है वो जिस अकाउंट में आता है उसे हम लोग बोलते हैं करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट के अंदर बाहर वाले देश से हमारे देश में पैसा ज़्यादा जा रहा है और वहां से पैसा कम आ रहा है तो उसे हम लोग बोलते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। दूसरा वाला जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। उसके अंदर आते हैं जैसे इन्वेस्टमेंट आते हैं FDI के थ्रू या यहाँ पे FII के थ्रू, FPI के थ्रू, या लोन्स वगैरह जो गवर्नमेंट बोरो करती है या कमर्शियल बोरोइंग्स करती है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स करती है। इसके अलावा जो बैंकिंग कैपिटल्स होती हैं जो बाहर के देश से आ रही हैं उनको हम लोग लेते हैं कैपिटल अकाउंट में। तो आज यहाँ पे बात हो रही है करंट अकाउंट के बारे में, उसी के बारे में हम लोग डील करेंगे। न्यूज़ आपके स्क्रीन पर है, यहाँ पे बात हो रही है कि जो हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो हमें वाइडन होता हुआ नजर आ रहा है, वो हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है क्वार्टर नंबर 2 के अंदर। तो 2.9% हो चुका है हमारे GDP का हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जुलाई टू सेप्टेम्बर वाले क्वार्टर के अंदर। और यहाँ पे जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी 1.1% से हमें बढ़ता हुआ नजर आया इसी पर्टिकुलर पीरियड के अंदर।
इधर रुके। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको पता होना चाहिए कि इस समय क्या हाल चल रहा है मार्केट का। डेफिसिट असलियत में बड़ा क्यों? रीज़न वही जो हम हर दिनों से डेवलप कर रहे हैं, ऑयल के प्राइजेस बढ़ रहे हैं। यहाँ पे जिस तरीके से इस क्वार्टर में हम लोगों ने देखा जो हमारा रुपए है वो कमज़ोर हो गया, वो यहाँ पे हम लोगों ने देखा डेप्रिशिएट हो रहा था, अब तो धीरे धीरे स्ट्रांग हो रहा है, वह डेप्रिशिएट हो रहा था। यहाँ पे जो ऑयल के प्राइजेस हैं वो बढ़ रहे थे, ऑयल के प्राइजेस की बढ़ने की वजह से हमारे देश में इन्फ्लेशन बढ़ रहा था। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपस में लिंक्ड हैं। अब आप देखोगे प्राइस अब कहीं ना कहीं करेक्ट हुए हैं 31% फ्रॉम दी पीक लेवल। अब देखोगे एक्सपोर्ट जो है वो भी अब पिकअप होना चालू हो गए हैं, पर इस वाले क्वार्टर के अंदर जहां पे ये रिपोर्ट आई है उस पर्टिकुलर क्वार्टर के अंदर आप देखोगे तो जो एक्सपोर्ट्स हैं वो हमें घटते हुए नजर आए थे। इसके साथ साथ आप देखो कि जो सेंट्रल बैंक है उसने भी इंटरवीन किया था कि जो करेंसी मार्केट है उसके अंदर उसने डॉलर बेचे थे जिससे मार्केट को बैलेंस किया जा सके, पर उसका कोई भी फायदा देखने को नहीं मिला था क्योंकि मार्केट में इकोनॉमी का इंपैक्ट बहुत ज्यादा था। यहां पर आप देखोगे जो ओवरऑल जो हमारी कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो इस बारी रहा डेफिसिट ऑफ $1.9 बिलियन इन द जुलाई टू सितंबर क्वार्टर। इसको अगर पिछले साल से कंपेयर करें तो पिछले साल ये सरप्लस में था ऑफ $9.5 बिलियन। तो यहाँ पे जो कमी है वो हम लोगों को नजर आई है। ओके, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है क्योंकि इसका इंपैक्ट पूरी की पूरी हमारी देश की इकोनॉमी के ऊपर भी पड़ने वाला है। पर इस पर्टिकुलर क्वार्टर में अगर आप देखोगे तो एक्सपोर्ट भी बढ़ रहे हैं, रुपया भी स्ट्रांग हो रहा है, यहाँ पे आप देखोगे कि जो ऑयल के प्राइसेस हैं वो भी घट रहे हैं, तो इन सब चीज़ों का भी पॉजिटिव इम्पैक्ट अब हम लोगों को देखने को मिलेगा। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, पेज नंबर 11 पे ही। यहाँ पे जो हमारे सेबी के चीफ हैं अजय त्यागी जी, उन्होंने बोला है कि जो एनबीएफसी के ऊपर जो लिक्विडिटी का जो स्ट्रेस आ रहा है उसको हम लोग कैसे डील आउट कर सकते हैं और सरकार ने उस चीज़ को डील आउट करने के लिए क्या क्या नई नई चीज़ें हम लोगों के सामने रखी हैं। तो यहाँ पे जो लिक्विडिटी स्ट्रेस है जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के ऊपर है, एनबीएफसीज के ऊपर है, खासकर जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं। देखो जब INFC वाला क्राइसिस हुआ था या दीवान हाउसिंग वाला क्राइसिस हुआ था उसके बाद ये चीज़ें ज़्यादा हम लोगों के सामने आई हैं। बट यहाँ पे अजय त्यागी जी ने बोला है कि जो इंडिया की जो मार्केट है उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है अगर हम बाकी डेवलप्ड मार्केट से अपने आप को कंपेयर करें। क्योंकि ये भी क्यों रीज़न है, इसका रीज़न सबसे बड़ा ये है हम लोगों ने अच्छी तरीके से परफॉर्म इसलिए किया क्योंकि हम लोग बाकी सारे देशों पर उतने ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं हैं। ओके, तो उसका एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट है जो देखने को मिला। याद रखना हम लोग करंट अकाउंट में फुल कन्वर्टेबिलिटी रखते हैं, कैपिटल अकाउंट में नहीं रखते हैं। इसका भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि हमारी मार्केट के ऊपर इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है और हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो भी अच्छा खासा बड़ा हुआ था। तो यहाँ पे यही बोला हुआ है कि जो सेबी है उसका बहुत बड़ा रोल होता है कैपिटल मार्केट के अंदर कि वो फैसिलिटेट करती है फंड रेज वगैरह करने में और उसका भी एक इम्पैक्ट कहीं ना कहीं जाता है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर। तो यहाँ पे जो बैंकिंग सेक्टर है अगर वो स्ट्रेस में होता है तो उससे सेबी स्ट्रेस में आ जाती है और उसकी वजह से जो सारा का सारा जो सिस्टम है वो कोलैप्स होता हुआ नजर आता है। और उसके भी रीजन क्या रहे, वही ग्लोबल मार्केट वाले रीजन कि जो ऑयल प्राइजेस हैं वो अनसर्टेन हो गए, जो मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंस है सरकार का या आप देखोगे US फेडरल रिजर्व का, US चाइना का, वो भी टेंशन भरा रहा। अब यहां पे इसी पर्टिकुलर क्वार्टर में हमारे देश में भी जो रिपो है उसको बढ़ा दिया गया था और यहां पे जो स्टैंस है उसको भी फिर उसके बाद जब रिपो को कंटेन किया गया था उसको भी कैलिब्रेटेड टाइटनिंग पे कर दिया था। ठीक है, कैलिब्रेटेड टाइटनिंग समझाया था क्या होता है कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना। तो ये जो पर्टिकुलर फैक्टर्स हैं ये हमारे देश की मार्केट को इन्फ्लुएंस करते हैं और जो डोमेस्टिक इश्यूज हैं उनको यहाँ पे सामने रख देते हैं और उसकी वजह से NBFCs और हाउसिंग फाइनेंसिंग कंपनीज के ऊपर से लोगों का भरोसा उठ गया है। अब इसके लिए RBI ने भी बहुत बड़े बड़े जतन किए हैं। RBI की जब बोर्ड ऑफ गवर्नर की मीटिंग हुई वहाँ भी उन्होंने बोला कि हम लोगों को ज़्यादा पैसा देना है और अभी December 9 में भी इनकी मीटिंग होगी वहाँ पर भी बात की जाएगी कि NBFCs को ज़्यादा पैसे कैसे प्रोवाइड किए जाएं। तो यहाँ पर अभी उदय कोटक जी की कमेटी भी बनी थी जिसको यहाँ पे गवर्नेंस का फ्रेमवर्क बनाना था, प्रपोज की थे इसने बहुत सारे गवर्नेंस स्टैंडर्ड किस तरीके से चीज़ों को चेंज किया जाए टाइमली मैनर में, इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट अगर सही तरीके से किया जाएगा तो इसका भी हम लोगों को पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे और भी स्टेप्स थे जैसे कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हों कंपनियों में, यहाँ पे सेपरेशन हो CEOs का, MD का, चेयरपर्सन के अलग अलग रोल्स हों, ऑडिट सही तरीके से किया जाए, नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन रिस्क मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाए, तो इन सब चीजों को सामने रख के ये आर्टिकल बनाया गया है।
तो आज के न्यूज़पेपर में बस इतना ही। आज सैटरडे होता है तो न्यूज़पेपर थोड़ा छोटा आता है। कैसा लगा आपको मुझे बताना बिल्कुल मत भूलना। जाते जाते डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना। और कोई भी उनमें कमेंट, डाउट या क्वेरी हो तो फेसबुक पे जाओ, टेलीग्राम पे जाओ, इंस्टाग्राम पे जाओ, या मैं कहीं पर भी मिलूं वहां पर मुझसे सवाल पूछ सकते हो। सो लव एंड पीस फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर गाइस, एंड हैव अ गुड डे अहेड।